नमस्कार शिक्षार्थियों, नैदानिक एवं उपचारात्मक पोषण की व्याख्यान श्रृंखला में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे शाला पूर्व बालकों के आहार एवं पोषण के बारे में। सर्वप्रथम जानते हैं कि शाला पूर्व बालक कौन होता है। शाला पूर्व बालक को हम पूर्व विद्यालय अवस्था का बालक या प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम 1 से 6 वर्ष के बच्चे को इस श्रेणी में रखा जाता है। इसे पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक नर्सरी कक्षा में पाठशाला पढ़ने जाता है या फिर इतना छोटा बालक घर पर ही अपने माता पिता से खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता है। इस आयु में बच्चों में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता का भी अभाव होता है, जिसके कारण वह शीघ्र बीमार पड़ सकते हैं। चूँकि वह बाहर जाना शुरू करते हैं तो वह कई बीमारियों के संपर्क में भी आते हैं, और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो तो वह शीघ्र बीमार पड़ सकते हैं। 1 से 6 वर्ष की अवस्था में लसिका, रक्तवाहिनियों एवं नाड़ी तंतुओं का विकास तीव्र गति से होता है, और केंद्रीय नाड़ी संस्थान, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और मस्तिष्क के नाड़ी तंतुओं का विकास भी इसी आयु में होता है। और यदि इस आयु में पौष्टिक एवं संतुलित आहार नहीं मिलता तो यह मस्तिष्क एवं नाड़ी तंतुओं की कोशिकाओं का निर्माण उचित प्रकार नहीं हो पाता है। दोषपूर्ण तंतुओं का निर्माण होता है, जिससे इनकी रचना एवं कार्यों में विकार एवं विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और इसका प्रभाव बालक के मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर पड़ता है। तो इस आयु में, इस अवस्था में पौष्टिक आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालयी अवस्था के दौरान बालकों की विकास दर धीमी एवं नियमित होती है, परंतु पूर्व विद्यालयी अवस्था, जो 1 से 6 वर्ष की अवस्था है, इसमें विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। और जो भी विकास इस अवस्था में होता है वह आगे जाकर एक स्थायी रूप एवं आकार ले लेता है। अतः इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएँ परिपक्व होने लगती हैं। विशेषताओं एवं शारीरिक परिवर्तन की बात करेंगे हम शाला पूर्व अवस्था में। शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र होने के कारण बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। वह अपनी सभी क्रियाएँ स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं ही करने का प्रयास करता है। इस आयु में बालक बहुत ही जिज्ञासु होता है और नटखट प्रकृति का होता है, बहुत अधिक शैतानियाँ करता है, और इस शैतानियों के कारण वह कभी कभी दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है। अर्थात इस आयु में शिशुओं को, बच्चों को चोट लगती है, और इस आयु का बालक अपनी नटखट हरकतों के कारण सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता, मांसपेशियों का निर्माण, उनकी दृढ़ता, शारीरिक शक्ति तथा मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों द्वारा भी बच्चे की विकास की गति को जाना जा सकता है। शोधों के परिणाम यह बताते हैं कि 4 वर्ष की आयु तक 90% केंद्रीय नाड़ी संस्थान एवं मस्तिष्क के तंतुओं का पूर्ण आकार एवं रूप ग्रहण हो जाता है, और इसलिए मस्तिष्क के समग्र विकास के लिए प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक वृद्धि की बात करें शाला पूर्व बालकों में, तो इस तालिका में आप देखें कि कैसे 1 से 6 वर्ष की आयु में बालक और बालिकाओं में लंबाई में वृद्धि होती है एवं उसके अनुरूप वजन में लगातार वृद्धि होती रहती है। शारीरिक परिवर्तन में हम देखेंगे कि शाला पूर्व अवस्था में बच्चों की मांसपेशियाँ सख्त होती हैं, गठीली एवं मजबूत होती हैं, और बच्चों की छाती बाहर की तरफ, पेट अंदर की ओर, शरीर सीधा, हाथ पैर सीधे होने चाहिए इस स्थिति में, जिससे कि बच्चे की संस्थिति सही दिखे। बच्चों के दांत सीधे, चमकदार, मजबूत एवं सामान्य आकृति के होने चाहिए। मसूड़े सख्त, मजबूत एवं गुलाबी रंग के होने चाहिए, और मसूड़ों से खून नहीं आना चाहिए। बच्चे की त्वचा चिकनी, चमकदार, मुलायम, आकर्षक एवं स्वस्थ होनी चाहिए। त्वचा के नीचे वसा का जमाव भी होना चाहिए, परंतु इन पर फोड़े, फुंसी या दाग धब्बे आदि नहीं होने चाहिए। बच्चों के बाल घने, काले, चमकदार, मुलायम एवं जीवंत होने चाहिए। सिर पर 2 मुहे बाल इस स्थिति में नहीं होने चाहिए, और ना ही बच्चों के बाल झड़ने चाहिए। पाचन क्रिया बच्चे की सही होनी चाहिए, अर्थात बच्चे को खुलकर भूख लगती हो और उसे कब्ज नहीं रहनी चाहिए, और नियमित रूप से मल विसर्जन वह करता हो, और इसकी आदत डालना भी इस आयु में बच्चे को बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को जल्दी थकान नहीं होनी चाहिए, जिस कारण वह चिड़चिड़ा, क्रोधी और आलसी ना हो। वह संतुष्ट, प्रसन्न, चुस्त और तृप्त दिखना चाहिए। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सामाजिक होना चाहिए, और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता होना चाहिए। और जब बच्चा
आराम कर रहा हो तो वह गहरी निद्रा में सोना चाहिए, थकान से शीघ्र मुक्त होना चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। इस आयु का बच्चे बहुत ज़्यादा खेलों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए बच्चे फुर्तीले एवं चंचल होने चाहिए और बच्चों में चीज़ों को याद रखने की क्षमता होनी चाहिए। इस आयु का बालक हंसता मुस्कुराता प्रसन्नचित्त एवं सक्रिय होना चाहिए और अपनी आयु के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और सभी क्रियाकलापों में रुचि लेनी चाहिए। पोषक तत्वों की मांग की बात करें तो ICMR द्वारा दी गई इस तालिका में आप देखें कि 1 से 3 वर्ष के बच्चे और 4 से 6 वर्ष के बच्चों में किस प्रकार विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा दी गई है। ये अनुशंसित मात्राएं हैं जो इस आयु वर्ग के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई हैं। ऊर्जा की बात करें तो जैसे पहले भी हमने बताया कि इस अवस्था के बच्चे बहुत अधिक खेलों में व्यस्त रहते हैं, सक्रिय और ऊर्जावान होते हैं, तो ऊर्जा की आवश्यकताएं उनकी बड़ी होती हैं। इसलिए ऊर्जा के संकेंद्रित स्रोत जो होते हैं, जो चीनी, तेल, गुड़, घी आदि हो सकते हैं, वह बच्चे को देने चाहिए, परंतु बहुत अधिक अवस्था में मात्रा में नहीं देने चाहिए, क्योंकि यह ज़्यादा मात्रा में देने से ऊर्जा की अधिक मात्रा शरीर में एकत्रित हो सकती है, जो मोटापे की स्थिति बना सकती है बच्चों में और यह भविष्य में कई रोगों जैसे मधुमेह और हृदय रोगों का कारण बन सकती है। प्रोटीन बच्चे की नई कोशिकाओं और तंतुओं के जो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है उसके लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि इस आयु में बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि तीव्र गति से होती है, तो इस आयु में अस्थियों, दांतों, मांसपेशियों, ऊतक आदि का निर्माण भी शीघ्रता से होता है। और जैसे पहले भी हमने बताया कि 4 वर्ष की आयु तक 90% मस्तिष्क तथा केंद्रीय नाड़ी संस्थान के तंतु पूर्ण रूप ले लेते हैं, तो इस आयु में प्रोटीन की दैनिक मांग बढ़ जाती है। वसा ऊर्जा का तो अच्छा स्रोत हो ही, साथ ही साथ साथ वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए भी ज़रूरी है, तो इस अवस्था में वसा भी बच्चों को देनी चाहिए, परंतु अत्यधिक वसा भी मोटापे का कारण बन सकती है, इसलिए इसको सीमित मात्रा में देना चाहिए। नवजात शिशु के शरीर में उपास्थियाँ ही अधिक होती हैं, जिन्हें हम कार्टिलेजेस कहते हैं, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो ये हड्डियों का रूप लेने लग जाती हैं। इसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, तो कैल्शियम बच्चे को उपयुक्त मात्रा में देना चाहिए, जो हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लौह लवण की बात करें तो इस आयु में अगर लौह लवण की कमी हो जाती है, जो बच्चे को रक्ताल्पता का खतरा होता है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं, तो इसलिए बच्चे के आहार में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व होना चाहिए। लौह तत्व की पूर्ति हेतु बच्चे के आहार में भरपूर मात्रा में पालक, बथुआ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मांस, यकृत, अंडा आदि सम्मिलित करना चाहिए। विटामिन ए इस आयु में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि इस आयु में बच्चे को विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसका सीधा असर बच्चे की आंखों पर पड़ता है और वे रतौंधी के शिकार होते हैं, जिसमें बच्चे को कम रोशनी में देखने में दिक्कत होती है, और यह अगर कमी बनी रहे तो भविष्य में यह पूर्ण अंधता का रूप ले सकती है। इसलिए विटामिन ए की पूर्ति के लिए बच्चे को आहार में उचित मात्रा में दूध से बने व्यंजन, पनीर, मक्खन, पीले फल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ आदि देने चाहिए। विटामिन बी समूह जिसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन है, जैसे पहले भी हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इन विटामिनों की जो आवश्यकता होती है वह कैलोरी की मांग पर निर्भर करती है। जैसे जैसे कैलोरी की मांग बढ़ती है, यानी ऊर्जा की मांग बढ़ती है, बी समूह के विटामिनों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। बच्चों में बेरी रोग के बचाव के लिए थायमिन बहुत ज़रूरी है, और इस रोग के बारे में हम पूर्व में जो आहार एवं पोषण का पाठ्यक्रम है उसमें हम सभी पोषक तत्वों और उनसे होने वाली जो कमी से होने वाली बीमारियां उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो बेरी रोग इस आयु में बच्चों के लिए बहुत जानलेवा सिद्ध हो सकता है, तो थायमिन की प्राप्ति के लिए संपूर्ण अनाज, चोकर का आटा, छिलके युक्त दाल, इनका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा खमीर युक्त भोजन जैसे इडली, डोसा, ढोकला भी थायमिन के अच्छे स्रोत होते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से बच्चों के होठों के किनारे फट जाते हैं और होठों का कलर बैंगनी कलर का हो जाता है, तो इसकी पूर्ति हेतु आहार में अंकुरित अनाज, चोकर सहित आटा, सूखा खमीर, हरी पत्तेदार सब्जियां अवश्य शामिल करने चाहिए। नियासिन की कमी से बच्चों को पिलाग्रा नाम का रोग हो जाता है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो इसलिए नियासिन की पूर्ति हेतु बच्चों को मूँगफली, यकृत, मांस, मछली, खमीर युक्त भोजन देने चाहिए। और इसके अलावा बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अन्य बी समूह के विटामिन जैसे पेरिडॉक्सिन, B12, फोलिक अम्ल भी बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए आहार नियोजन करते समय इन सभी विटामिनों की उचित पूर्ति करनी चाहिए।
विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जैसे हमें पता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, तो इसलिए यह बच्चों को देना अत्यंत आवश्यक है। इसके नियमित सेवन से बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इसके अलावा यह विटामिन दांतों, मसूड़ों, रक्त वाहिनियों को भी स्वस्थ रखता है और शरीर में लौह लवण के अवशोषण में भी यह विटामिन काम आता है। तो आहार में विटामिन सी की कमी अगर हो जाए बच्चे को तो स्कर्वी रोग हो सकता है जिसमें उसके मसूड़ों से खून आता है। तो इसकी पूर्ति हेतु आहार में उचित मात्रा में आंवला, अमरूद, संतरा, खट्टे फल ये सब होने चाहिए। मैग्नीशियम यह एक खनिज लवण है जो विभिन्न प्रकार की चयापचय प्रक्रियाओं में शरीर में शामिल होता है और हड्डी के ऊतकों के निर्माण के लिए भी आवश्यक है और कैल्शियम के अवशोषण में भी यह मदद करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी बच्चे को हो जाए तो बच्चा हमेशा थका हुआ महसूस करता है, उसके मूड में परिवर्तन हो सकता है, अवसाद का शिकार हो सकता है, बच्चे की त्वचा शुष्क हो जाती है, नाखून टूट सकते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। तो इसलिए आहार में इसकी कमी नहीं होनी चाहिए और इसकी कमी से बचने के लिए बच्चे के भोजन में गेहूँ के बीज, अंकुर, सोयाबीन, कुट्टू, दलिया सा, चावल, सेम आदि सम्मिलित करने चाहिए। जिंक, बच्चों में जिंक की कमी होने से दस्त, निमोनिया, मलेरिया होने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि जिंक की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जिससे बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, शरीर की वृद्धि कम हो जाती है और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसलिए देखा होगा आपने कि जो बच्चे दस्त से पीड़ित होते हैं उनको जिंक भी सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, इसलिए जिंक का भी उचित मात्रा आहार में होनी चाहिए। भारतीय शालापूर्व बच्चों में कुछ पोषण संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले है विटामिन ए हीनता के रोग। जैसे अभी हमने पोषक तत्वों की मांग में बताया कि विटामिन ए कितना ज़रूरी है इस अवस्था में बच्चों के लिए जो उनकी आँखों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। चूँकि एक वर्ष के बालकों में यकृत में विटामिन ए को संग्रह करने की क्षमता बहुत अधिक नहीं होती, इसलिए आहार में यदि विटामिन ए कम हो तो बच्चे बहुत जल्दी हीनता के शिकार हो जाते हैं। और स्तनपान छुड़ाने के बाद इस आयु में यदि बच्चे के आहार में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ ना सम्मिलित करे जाएँ तो उनको विटामिन ए हीनता के रोग हो सकते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण भी स्तनपान से वंचित बच्चों को हो जाता है जिसमें भी बच्चे विटामिन ए की कमी से ग्रस्त रहते हैं। 2 से 3 वर्ष के बालकों में जब हम विटामिन ए की न्यूनता से संबंधित लक्षण देखते हैं तो उसमें हमें किराटोमलेशिया, जेरोफ्थेल्मिया, बिटॉट स्पॉट के लक्षण देखे जाते हैं। इन सब के बारे में हम पूर्व में बता चुके हैं। यदि इनका उपचार नहीं किया जाता तो धीरे धीरे यह बच्चों की आंखों के कॉर्निया और रेटिना को नष्ट कर देता है जिससे बच्चे की आंखों की रोशनी चली जाती है। बात करेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की। भारतीय बच्चों में, शालापूर्व बच्चों में यह रोग बहुत अधिक व्याप्त है। इस रोग की शुरुआत तब होती है जब शिशु का स्तनपान छुड़ाकर उसे ऊपरी आहार दिया जाता है जो पौष्टिक नहीं होता, या ऊपरी आहार बच्चों में पौष्टिक न होने की वजह से उसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है जिससे क्वाशियोरकर और मेरास्मक रोग देखे जाते हैं। या उन बच्चों में देखा जाता है जिनमें पूरक आहार से ऊर्जा की पूर्ति तो होती है परंतु प्रोटीन की पूर्ति नहीं होती। बच्चा देखने में मोटा व तंदुरुस्त लगता है जबकि वह क्वाशियोरकर रोग से ग्रसित होता है। और यदि बालक के आहार में दोनों ही ऊर्जा एवं प्रोटीन दोनों की ही कमी होती है तो इस रोग को हम मेरास्मस रोग कहते हैं। यह बहुत बुरी स्थिति है जिसमें बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, वजन में कमी हो जाती है। कम आहार लेना तथा आहार में कम प्रोटीन लेने के अलावा संक्रमण भी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। संक्रमण के कारण बालक बीमार पड़ता है, ठीक प्रकार से भोजन नहीं कर पाता और यह कुपोषण का दुष्चक्र चलता रहता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियों का क्षय हो जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, खुरदुरी, चमकहीन एवं आकर्षणहीन हो जाती है, बच्चे को अनीमिया और अन्य पोषणहीनता से संबंधित रोग हो जाते हैं। इसलिए बच्चे को इससे बचाव करने हेतु आहार में पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, सोयाबीन, मूँगफली और हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। इस आयु के बच्चों में रक्ताल्पता भी देखी जाती है। वह उन बालकों में होता है जिनमें लौह तत्व, फोलिक अम्ल और विटामिन B12 की कमी होती है। इसके अलावा जिन बालकों के पेट में इस आयु में कीड़े होते हैं उसमें भी लौह तत्व अवशोषण न होने की वजह से भी रक्ताल्पता हो जाती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण रक्ताल्पता निरोधक कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें लौह लवण तथा फोलिक अम्ल से युक्त गोलियों का मुफ्त वितरण किया जाता है बच्चों और माताओं को।
और बच्चों को प्रतिदिन एक गोली दी जाती है जिसमें 20 मिलीग्राम लौह लवण, जिसमें 60 मिलीग्राम फेरस सल्फेट होता है और 0.1 मिलीग्राम फोलिक अम्ल होता है। इसके अलावा रक्ताल्पता से बचाव हेतु उनके आहार में लौह तत्व के अच्छे स्रोत हमें शामिल करने चाहिए। और इसके अतिरिक्त लौह तत्व के अवशोषण के लिए विटामिन सी के भी उचित खाद्य पदार्थ हमें शामिल करने चाहिए। और लौह तत्व और विटामिन सी के खाद्य पदार्थों के अलावा बच्चे को समय समय पर पेट के कीड़े के निवारण के लिए दवाएं भी देनी चाहिए। शालापूर्व बालकों में रिकेट्स भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो विटामिन डी के अभाव में अस्थियों में कैल्शियम का जमाव नहीं हो पाता, जिससे कि हड्डियां मुलायम, कमज़ोर, निर्बल और मृदु हो जाती हैं। बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है। यह उन बच्चों में देखा जाता है जिन बच्चों को सूर्य की किरणें जो प्राकृतिक स्रोत है विटामिन डी का, वह नहीं मिल पाती। इसलिए इस आयु के बच्चे को कुछ देर के लिए सुबह की धूप दिखानी चाहिए। यदि किसी कारणवश बच्चे को धूप नहीं दिखा सके, जैसे आजकल देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों में पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है, तो इस स्थिति में बालक को विटामिन डी की पूर्ति हेतु 1 चम्मच कॉड लिवर ऑयल प्रतिदिन पिलाना चाहिए। आयोडीन हीनता जन्य रोग भी इस अवस्था में देखे जाते हैं। इसकी कमी से जो व्यक्ति बहरा, गूंगा और भेंगापन हो सकता है, समय पूर्व जन्म हो सकता है बच्चे का, गर्भवती स्त्री को गर्भपात हो सकता है, और इसके अलावा गोइटर जिसे हम गंडमाला कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र और मानसिक एवं शारीरिक व्याधियों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। सामान्य रूप से जन्म लेने वाले बच्चे को भी आयोडीन की कमी हो सकती है भविष्य में, और इसके बचाव के लिए खाने में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। भोजन संबंधी आदतों की बात करें तो इस आयु में बालकों का स्वभाव चंचल होने की वजह से उनका मन हर समय खेल कूद में लगा रहता है। एक जगह स्थिर रहकर खाना खिलाना एक चुनौती होती है, और इस आयु में जो बालक सीखता है वह जीवन पर्यंत उनके साथ बना रहता है। तो कुछ महत्वपूर्ण भोजन संबंधी आदतों का विकास इस आयु में बच्चे में किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि इस आयु के बच्चे दूसरे बच्चे की नकल करना पसंद करते हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप उनके सामने वही व्यवहार करें जो आप उनको सिखाना चाहते हैं। बच्चे को नियमित समय पर भोजन कराएं, पहले कम मात्रा में बच्चे को भोजन परोसें और जब वह उसे खा ले तभी उसे और भोजन परोसें, और पूरा खाना ख़त्म करने के लिए बच्चे पर कभी जोर न दें। खाने के लिए बच्चे को एक खुशनुमा माहौल बनाएं। खाना खिलाने के लिए खिलौने, टेलीविज़न, मोबाइल ऐसी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर बच्चे को इसकी आदत हो जाती है, वह इसके बिना खाना नहीं खाता। बच्चों के आहार में विविधता लाएं, उनको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने को दें, और यह ध्यान रखें कि जो भी खाद्य पदार्थ आप उनके आहार में शामिल करें वह पोषक तत्वों से भरपूर हो और विभिन्न पोषक तत्व प्रदान करता हो। प्रत्येक भोजन में कम से कम 3 से 4 खाद्य समूहों से आहार अवश्य दें। बच्चे का भोजन आकर्षक होना चाहिए, अनाकर्षक भोजन बच्चा नहीं खाते हैं। आकर्षक भोजन देखकर बच्चे की भूख भी बढ़ेगी और उसके खाने के प्रति रुचि जागृत होगी। इस आयु में बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध मिलना चाहिए। यदि वह दूध नहीं पीता तो दूध के स्थान पर उसे खीर, सेवई, कस्टर्ड, आइसक्रीम आदि दे सकते हैं। यदि कोई सब्ज़ी बच्चे को पसंद नहीं है तो उसको अलग तरह से बना कर दें, जैसे कि भरवा पराठा और सूप या भरी हुई पूरी, कचौड़ी आदि दे सकते हैं। बहुत अधिक मिर्च मसाले युक्त, बहुत अधिक मीठा, तला हुआ या मैदे की बनी वस्तुएं बच्चे को नहीं देनी चाहिए, इससे उनका पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और बच्चे को बाहर के खाने जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, टॉफ़ी, पिज़्ज़ा, जैसे आजकल आपने देखा होगा बच्चों में आदतें होती हैं, ऐसे जंक फूड खाने की बजाय उनको घर पर बने व्यंजन खाने की आदत डालें, जिससे कि उनका विकास उचित हो, उनको भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व प्राप्त हो और बच्चे की अच्छी खाने की आदत बनी रहे। धन्यवाद।